नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रयागराज के रीजनल ऑफिसर जीबी सिंह जी। जीबी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। थैंक यू मैडम जी। जीबी सिंह जी, जब हम लॉकडाउन की, कोरोना वायरस की वजह से, इस महामारी से जो प्रभाव देश पर पड़ा है, पूरे विश्व पर पड़ा है, जब भी हम इसकी तरफ देखते हैं तो बहुत सारे नुकसान और बहुत सारी समस्याएं ही दिखती हैं, लेकिन जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं इस दौरान, तो सिर्फ एक अच्छी खबर यहीं से आती है कि जो हमारी धरती है वो साफ सुथरी हुई है, हवा, पर्यावरण, जल, सब कुछ साफ सुथरा हुआ है। लेकिन अब अनलॉकिंग भी हो रही है, अब एक बार फिर से लोग बाहर निकल रहे हैं, तो दोबारा से पर्यावरण पर पहले जैसा ही प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि पर्यावरण के लिए ये जो कोरोना वायरस है, ये कैसा साबित हुआ है और इसका भविष्य क्या, इससे आगे तय हो सकता है, क्या हम सीख सकते हैं? देखिए मैडम, हम सबसे पहले आपको अवगत कराना ये चाहेंगे कि हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने अध्यक्ष महोदय, जो हमारे जेपीएस राठौर साहब लखनऊ में हैं, और सदस्य सचिव महोदय आशीष तिवारी सर हैं लखनऊ में। इनकी प्रेरणा से मैं बताऊंगा आपको कि कोरोना नहीं, इससे पहले की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कुंभ का आयोजन हुआ, यहाँ अभी माघ मेला का भी आयोजन हुआ। हम यहाँ प्रयागराज के धरती पर, मैं उनके बनाए हुए जो उनके हमारे हम लोग जो आदेश मिले हैं, जो हम उनके बनाए उनके दिए हुए निर्देशों का जो हम कार्यान्वयन कर पा रहे हैं, हम इसमें थोड़ा से बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश और प्रयागराज में जो इंडस्ट्रीज हैं या जो गंगा की मॉनिटरिंग होती है हमारी, जो हम कार्य करते हैं, इसके लिए सर लोगों ने बोर्ड मुख्यालय लखनऊ पर एक कंट्रोल रूम बना है। कंट्रोल रूम से पूरा कंट्रोल ये होता है कि कोई चाहे यूनिट हो, चाहे गंगा का कोई हो, तो वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम बने हुए हैं। जो बड़ी यूनिट है या गंगा की मॉनिटरिंग से संबंधित है, तो वो हम तो उनके उनके दिए हुए निर्देशों के यहाँ इस स्तर पर, प्रयागराज के स्तर पर मैं उसका पालन कराते हैं। उसमें हम गंगा की मॉनिटरिंग करते हैं, एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करते हैं, और वो लोग इस तरीके से व्यवस्थाएं बनी हुई है वहाँ बोर्ड मुख्यालय लखनऊ पे कि वो वहीं से कंट्रोल रूम से ही किसी यूनिट की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो जाती है, और हम लोग भी यहाँ से जब टेस्ट करते हैं, उसको फीड करते हैं, तो वहाँ पे वो प्रदर्शित होता है। और गंगा के कुंभ के दौरान या माघ मेले के दौरान सतत मॉनिटरिंग बोर्ड मुख्यालय लखनऊ से और उसके सर्वर कनेक्शन जुड़े हुए हैं सीपीसीबी के मुख्यालय से भी होती रहती है। उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, यहाँ समय समय पे पालन हुआ है। कोविड कोरोना की जो आपने बात कही है, एक ये बीमारी या परचिस थी जो विश्व लेवल पे आई, अचानक आई, और इसका समझना सबके बस का नहीं था, आसान नहीं था। जैसे जैसे दिशा निर्देश बीमारी के संबंध में अलग आए, और बीमारी से संबंधित जो बेस्ट, मतलब मान लीजिए जो इलाज चल रहा है अस्पताल में, इलाज के दौरान जो बेस्ट जनित होता है, उसके हमको निर्देश मुख्यालय से प्राप्त हुए कि बेस्ट का हम किस तरीके से निस्तारण करें। तो जहां पे मरीज क्वारंटाइन सेंटर हुआ, चाहे आइसोलेशन सेंटर हुआ, चाहे अस्पताल का हुआ, उसमें जो उनके रूल्स आए, उस रूल के मुताबिक हम अस्पतालों से, जो हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, सीएमओ सर हैं, जो भी हैं, इनके जो इनको सारे सूचनाओं को यहाँ से हम लोगों ने आदान प्रदान किया। डीएम सर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई कई बार, डीएम सर और इधर सीएमओ सर वगैरह सब मिल करके वो जो वेस्ट जनित हो रहा है उसका प्रॉपर वे में, यहाँ पे दो इकाई ऐसी हैं जो इन वेस्ट को बर्न करती हैं, डिस्पोज करती हैं, उनका प्रॉपर कलेक्शन, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ये सुनिश्चित कराया जा रहा है। ये कोरोना के बेस्ट संबंधित बात, जो इन्वायरमेंट और पर्यावरण से संबंधित था, पॉल्यूशन कंट्रोल के थोड़ा दायरे में था, इसका इसका पूरा मुस्तैदी से पालन कराया जा रहा है। इसकी जो दो संस्थाएं हैं, वो वेस्ट को अस्पताल से प्रॉपर वे में कलेक्ट, जो थ्री लेयर पॉलीथीन में उसको पैक करना और उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको हाइपोक्लोराइट एसिड से बिल्कुल डिसइंफेक्ट करना, और उसको क्या कहते हैं, अपने प्लांट में उसका पूरा प्रॉपर डिस्पोजल करना, ये सुनिश्चित कराया जा रहा है। ये कोरोना से संबंधित बात है। जैसे जैसे दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, सारे क्वारंटाइन सेंटर के भी जो बेस्ट निकले हैं,
उसका भी आइसोलेशन करना या उसका डिस्पोजल किया जाना, क्योंकि कहीं और वेस्ट के इस जो वेस्ट है इससे कहीं और कोई महामारी न फैले, इसका प्रॉपर इंतजाम यहाँ किया गया है। कोरोना से संबंधित वेस्ट के लिए आपने जो पूछा, मैं ये आपको अवगत कराया। चलिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो वेस्ट मैनेजमेंट है कोरोना का, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्पोज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये और लोगों तक ना फैले और इसके फैलने से जो बीमारी है वो बढ़े नहीं। तो उस पर जो आप कार्य कर रहे हैं वो आपने बताया, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल मैंने आपसे जेपी सिंह जी पूछा, और इसका जवाब आपसे बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आप प्रयागराज में हैं और गंगा नदी की सफाई और उसकी जो तस्वीरें रही थी लॉकडाउन के दौरान, वो लोगों को बहुत खुशी दे रही थी। सिर्फ एकमात्र यही एक तस्वीर थी जो बहुत खुशी दे रही थी, तो क्या अभी भी वो बदस्तूर जारी है? क्या लॉकडाउन के बाद से, अब अनलॉकिंग के दौरान भी क्या साफ सफाई या फिर जो उस समय तस्वीर बनी थी उसे मेंटेन करना, क्या इस दिशा में आप काम कर रहे हैं कुछ? देखिए मैडम, गंगा में जल प्रदूषण से संबंधित कई इसमें कारक होते हैं, और इसमें जैसे कि आप समझिए कि गंगा में जल स्तर मेन चीज होता है, कि जब गंगा ओरिजिन पॉइंट से यहां तक प्रयागराज तक जल पहुंचते पहुंचते बहुत से जल का उपयोग हम अपनी आवश्यकता के अनुसार नरोरा में या दिल्ली के लिए जल सप्लाई के लिए कहीं कहीं पानी रोका जाता है, यूज किया जाता है, तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हो जाता है कि इसमें कितना फ्लो है, पीछे से कितना गंगा में फ्लो आ रहा है, एक बात होता है पॉल्यूशन के नियंत्रण की दृष्टि से कि बहुत कम फ्लो है उसमें सीवेज वगैरह जा रहा है तो निश्चित तौर पर थोड़ा आपको पोल्यूटेड लगेगा। आपने कहा कि लॉकडाउन और उससे पहले की जो मैंने स्थितियां देखी हैं वो ये है कि, लेकिन समझना ये पड़ेगा कि हमारा मेन मुद्दा है कि उसमें डिस्चार्ज कितना है। मान लीजिए स्वच्छ जल उधर से पीछे से आ रहा है तो निश्चित तौर पर यहाँ पे पॉल्यूशन, जल का प्रदूषण बहुत कम होगा। लॉकडाउन में भी किया है, 9 अप्रैल के 22 मार्च से लगभग लॉकडाउन हुआ है और 9 अप्रैल तक बिल्कुल लॉकडाउन रहा। उसके बाद से हमको भी निर्देश मिले कि आप इसका गंगा का साप्ताहिक सैंपल किया जाए, तो हमने 5 बिंदुओं पे गंगा यमुना का मिला करके सैंपल किया है। तो पहले भी हमारे यहाँ इसमें माघ मेला के दौरान हम डेली मॉनिटरिंग करते थे 5 पॉइंट्स का, और ये प्रोटोकॉल कुंभ के दौरान से ही चला रहा है, हम डेली इसकी मॉनिटरिंग बीच में किए थे। उसमें जो मैंने फर्क पाया, फर्क मुझे ये मिला कि जो डीओ हमें वही जैसे पहले डीओ थी डिजॉल्व ऑक्सीजन गंगा में वही मिली हमको, पीएच वही मिली जो हमारी मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। बाकी तो क्या कितना फर्क पड़ा ये तो पूरा टोटल भारतवर्ष लेवल की बात है, वो मेरा लेवल नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ जो मैंने देखा उसकी पीएच वही पहले जैसी नॉर्मल, डीओ भी नॉर्मल पाए, कलर भी वही नॉर्मल। फर्क जो पड़ा था उसमें बीओडी का लगभग स्लाइटली बीओडी कम हुई थी, और उसमें कॉलीफार्म था शायद कुछ कम हुआ था, टोटल कॉलीफार्म वगैरह कम हुआ था, बाकी डीओ ये सब हमारा कहना था। जिससे जब हमने जो देखा, जो स्वच्छता देखी, जो मुझे लगा मैं यहाँ आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि हम खुद भी और बहुत सारे लोग भी ये टेक्निकल टर्म आपकी नहीं समझ पाएंगे, आप आसान भाषा में अगर बता पाएं कि क्या गंगा साफ हुई या नहीं लॉकडाउन के दौरान, या उससे पहले क्या उसकी स्थिति थी और अब क्या है मौजूदा स्थिति, थोड़ा साफ शब्दों में आम भाषा में अगर आप बता पाए तो। जो मैंने देखा कि हम जहाँ पे गंगा को देखते हैं वो हमारा घाट है, और वहां पे गंगा में लॉकडाउन से पहले सामान्य तौर पे गतिविधियां होती हैं, नाव चलती है, लोग नहाते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जो भी है गतिविधियां होती हैं, उससे हमको वहां गंदा दिखाई पड़ता था। और लॉकडाउन के टाइम में कोई गतिविधि नहीं थी, वाटर बिल्कुल स्टेग्नेंट हो गया था, रुक गया था, ऊपर से देखिए तो नीचे तक सतह दिखाई पड़ रही थी। यही स्थिति केवल मैं ये कहूंगा फिजिकली कि कोई गतिविधियां नहीं थी, इस वजह से बहुत साफ दिखाई पड़ी गंगा। लेकिन जो केमिकल वैल्यू में थे डीओ पीएच ये सब हमको पहले जैसे ही स्थिति में थी, जो मैं अपना हमारा जो अपना आउटलुक है, पर कहीं कोई अब उस तरीके से मैं कहूँ, कभी आप देखिए गंगा का मान लीजिए लॉकडाउन ना भी हो और कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पे कोई गतिविधि नहीं हो, वहाँ निर्मल आपको जल दिखाई पड़ेगा। अभी लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन बीच में कोई ऐसा स्पैन हो जंगल के बीच में जहां गंगा बह रही हो वहां कोई कोई गतिविधि नहीं होगी, तो वहां भी देखिए तो वाटर स्टैग्नेंट रहेगा और साफ दिखाई पड़ेगा।
मैंने ऐसा महसूस किया जो मैं बता रहा हूँ। आपने बताया कि क्वालिटी वही और है पहले जैसी, बस सफाई, जी सफाई पर इसका काफी असर पड़ा है और उसकी वजह है लोगों की अनुपस्थिति। मनुष्य की गतिविधियां ही प्रदूषण का द्योतक है। यदि हर आदमी जो है सुबह से लेकर शाम तक उठता है और हर व्यक्ति यदि सावधान हो जाए कि हमको सही ढंग से सारे चीजों का निस्तारण करना है, वेस्ट के घर से निस्तारण करना है, स्वयं के नहाने धोने से है, तो निश्चित तौर पे हम इसके प्रदूषण पे काफी कुछ नियंत्रण पाएंगे। और वही गतिविधियां देखी गई गंगा में कि बहुत स्टैंडर्ड था, वाटर बहुत साफ था, निर्मल जल था, कोई कहीं कोई प्रदूषण उसमें नहीं था। पर इसको उस तरीके से कहना ठीक नहीं है कि केमिकली कोई उसमें फर्क क्या पड़ा। फर्क इसमें देखो, फर्क ये पड़ा है मैम कि बहुत से होटल हैं, बहुत से सर्विस स्टेशन थे, बहुत सी गतिविधियां शहरों की बंद हो गई, वाटर की क्वालिटी, वाटर की क्वांटिटी में फर्क आया, नहीं चालू थे उद्योग भी, उद्योग धंधे भी बंद हो गए थे, तो उससे फर्क पड़ना तो लाजमी है मैम, वो फर्क पड़ना ही पड़ना है उससे, तो इतने कहेंगे थे या फिर कम हो गई थी उनकी गतिविधियां, तो उसका फर्क पड़ा गंगा के पानी पर, वेस्ट मैनेजमेंट पर। तो जेपी सिंह जी, अब तो उत्तर प्रदेश में और ज्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी, उन्हें और इनवाइट किया जा रहा है, तो क्या स्थिति फिर आगे भविष्य में, क्या इस पर और बुरा असर पड़ सकता है? इंडस्ट्रीज आ रही है, इको फ्रेंडली आ रही है। अब देखिए मैम, कोई चीज पोल्यूशन हो रहा है नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन जब हम उसकी जानकारी हमें हो जाती है तो बहुत चीजों को मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि अब सारी बहुत सी चीजें इनबिल्ट प्रोसेस आ गई हैं। पहले आदमी डीजी सेट खरीदता था तो वो बिना कॉस्टिक इंक्लोज होता था, अब डीजी सेट मिलता ही नहीं है। अब जो डीजी सेट जनरेटर सेट जो मिलते हैं वो एकॉस्टिक एनक्लोजर के मिलते हैं। पहले बॉयलर वगैरह सप्लाई होता था तो एयर प्रदूषण कंट्रोल सिस्टम नहीं होते थे, लगवाना पड़ता था। अब बॉयलर तभी आप पाएंगे, खरीद पाएंगे जब उसमें एयर प्रदूषण कंट्रोल सिस्टम के साथ ही मिलेगा वो। तो बहुत सी चीजें आपकी इनबिल्ट प्रोसेस ही पोल्यूशन कंट्रोल में आ गई हैं, उसमें अब बताना नहीं है। पहले जब था लोग लगा लेते थे, अब सारी चीजें इनबिल्ट प्रोसेस हैं। बहुत सी इंडस्ट्री जो पोल्यूटिंग है, शुगर है, डिस्टिलरी है, इनमें सब में मैम एक सिस्टम बन गया है, जो लगाएगा उसको बेसिक चीजें वो लगानी ही पड़ेगी, और उसके दिमाग में है उसके लगाने की कास्ट और उसको चलाने की कास्ट, अब वो प्रोडक्शन कास्ट में ही ऐड है। अब उसमें बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप ही उस चीजों को लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो नहीं आने वाले यूनिट को कोई दिक्कत नहीं है, वो आएंगे और उन सब चीजों को प्रॉपर अपने आप से समझ करके ही वो लगाएंगे, और गलत करेंगे तो उसकी तो व्यवस्था ही जांच कर जाएगी। उस पर भी हम आपसे पूछेंगे कि कितनी ऐसी इंडस्ट्री या फिर कहां कहां जुर्माना भी लगाया गया है, किन किन पर कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा जेवी सिंह जी, अब क्योंकि हाल फिलहाल और इस लॉकडाउन के दौरान भी बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज आई हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह सैनिटाइजर को ही मैं एक ले लूँ तो मात्र पहले दो इंडस्ट्री थी, लेकिन अब तकरीबन 25 से ज्यादा हो गई है, और अब उत्तर प्रदेश सैनिटाइजर की सप्लाई बाहर भी कर रहा है, तो इनको NOC देना और इन पर निगरानी रखना, उसका कार्य कैसे चल रहा है? मैम इधर तो कोई डिस्टिलरी इकाई नहीं थी, जैसे प्रयागराज के संबंध में जो बात मैं करूं, और बहुत उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं जितनी डिस्टिलरी यूनिट थी उनमें सब में सैनिटाइजर बनाने की इकाइयां लगा दी गई हैं। और हमारे यहां तो हमारे सर का ऊपर से ही माननीय चेयरमैन जी का और माननीय सदस्य सचिव महोदय के आदेश थे कि कोई भी इस तरीके का आवेदन आता है तो विद इन टाइम उसका डिस्पोजल कर दिया जाए। जेबी सिंह जी, इसके अलावा और क्या क्या क्षेत्र हैं जहां पर आपकी निगरानी रहती है, जहां जहां आपका कार्य विस्तार होता है, किन किन क्षेत्रों में? मैम यहां देखिए, जहां तक इंडस्ट्री की बात है, प्रयागराज सेक्टर में बहुत इंडस्ट्री नहीं है, यहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम है। मुख्य मुख्य इंडस्ट्रीज यहां पे जैसे NTPC दो पावर प्लांट्स हैं, IFFCO है, तो बड़ी यूनिट है। इनके अलावा शहर में इस तरीके से बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, वाटर पोल्यूटिंग यूनिट ज्यादा नहीं है। जैसे नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ कुछ हेचरीज हैं, और इधर वहाँ बारा साइड में, आप शंकरगढ़ साइड में कुछ सिल्का सैंड के कुछ प्लांट हैं, और मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ बहुत कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है। ये तो कार्यालय या यहाँ का जो मेन महत्वपूर्ण बात है, माननीय न्यायालय होने से और गंगा के होने से ये कार्यालय बहुत महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्रीज भी हैं, पर यहाँ पे माननीय न्यायालय के काम और गंगा के मॉनिटरिंग का बहुत विशेष काम रहता है, उसमें काफी टाइम देना पड़ता है हम लोगों को, मेन न्यायालय के कामों का और गंगा की मॉनिटरिंग का।
ठीक। और इसके अलावा जो आपके विभाग की तरफ से जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है उसकी तरफ से लोगों को जागरूक करना पर्यावरण, जल और वायु के प्रति, ये भी आपकी तरफ से कार्य किए जाते हैं, तो कैसे लोगों को अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है, क्या दिशा निर्देश लोगों के लिए भी होते हैं जो आप कुछ हमारे दर्शकों को बता पाएं, शायद वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाएं? मैम, जागरूकता से है कि जो जैसे इन्वायरमेंट डे है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, या कोई इंडस्ट्रीज में, तो आप देखिए इतना अवेयरनेस है मैम कि इंडस्ट्रीज खुद ही इस तरीके से कई प्रोग्राम करते हैं। वो अपने तरफ से कई गांवों में इसके प्रचार प्रसार, सारे प्रदूषण ना हो, इसके सही नियंत्रण हो, इसके काफी प्रचार प्रसार कुछ बड़े उद्योगों के माध्यम से भी, हम लोगों के माध्यम से, सरकार के भी माध्यम से, ये सतह बच्चों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार सतत किया जाता है। और दिशा निर्देश लखनऊ से मिलते रहते हैं, डीओएस जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से भी बच्चों को पढ़ाई पढ़ाई भी आप सोचिए तो मैम, अब तो सब्जेक्ट भी आ गया है, पर्यावरण शब्द बच्चों के लिए भी है। तो काफी एनजीओ हैं, ये सब अपने स्तर से काफी प्रचार प्रसार, जागरूकता के लिए कार्यक्रम इधर किए जाते हैं, समय समय पर होते रहते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जीवी सिंह जी ये बातचीत हमसे करने के लिए, अपना समय जनसत्य न्यूज को और देने इस के समय लिए। तो मैं समझिए कि वृक्षारोपण एक ऐसा कार्यक्रम है कि हम सभी क्या पूरा यहाँ प्रशासन, वन विभाग काफी वृक्षारोपण के प्रति सजग और सजगता पूर्वक हम लोग 3-4 दिन से लगातार पौध को हर फैक्ट्री में, हर भट्ठों पर, और अपने अपने विभाग में लोग अपने अपने माध्यम से काफी हद तक ये कार्य किया जा रहा है वृक्षारोपण का। और हम समझते हैं कि वृक्ष एक ऐसा हमारा साथी है जो आप समझिए कि हमारे बेस्ट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसका भोजन है और ऑक्सीजन हम लोगों को वो उत्पन्न करता है जीने के लिए। तो उस समय, इस समय कार्यक्रम चल रहा है और आपने उस समय हमारा इंटरव्यू लिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप इसमें समाप्त कर रही हैं और वृक्षारोपण के लिए आप अपील करिए सबसे। वृक्ष ही हमारा बिल्कुल एकदम सीधा यह है कि जिससे हमारा जीवन बच सकता है, इसमें और लोग वृक्ष लगाएं। कि नियंत्रण का जो यथा सहयोग, जो आप लोग निर्देश या हमारे मुख्यालय से यहाँ पे जिला प्रशासन के जो निर्देश मिलेगा, निश्चित तौर पर हम उसको पूरा करेंगे, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं आने पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जीपी सिंह जी। ठीक है मैडम। तो किस तरह से सरकार की ओर से कार्य किए जा रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट में, क्या क्या नॉर्म्स हैं उसकी तो जानकारी दी जेबी सिंह जी ने, लेकिन हमारी क्या ड्यूटी है पर्यावरण के प्रति वो भी उन्होंने बताया। वृक्षारोपण जो सबसे अहम है सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। तो इस तरह की और बातचीत आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोज को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार।